सो गाइस, मैं ना आदि पुरुष का ट्रेलर देखने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये बेस होगी रामायण में और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इसे काफी अच्छे से जानता है। और जैसे ही मैंने इसका टीजर देखा ना, लग रो मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब आदि पुरुष का बजट ना 63,500,000,000 था, जिसके VFX में ही ना 250 करोड़, ऑलमोस्ट $31 मिलियन का खर्चा हुआ था। 250 करोड़ के VFX ये है। मतलब आप इसमें ना बालवीर का कोई छोटा सा सीन डाल दोगे ना, लोग पहचान नहीं पाएंगे ये इस मूवी का नहीं है। साउथ इंडस्ट्री के इतने बड़े एक्टर प्रभास, जिन्होंने बाहुबली में तबाही मचा के रख दी थी, क्या उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि आदि पुरुष जो इतनी बड़ी मूवी है उसके लिए थोड़ी फिजिक को मेंटेन कर ले। मतलब उनकी पूरी की पूरी बॉडी VFX से भरी हुई थी। और यही एक्टर हमें बाहुबली में इतने लीन एंड मस्कुलर दिखे हैं। मतलब उनकी पूरी बॉडी इतनी फेक CGI लग रही है ना, कि इससे ज्यादा असली तो खान बाबा जो अपनी रजाइयां ठूस के हाथ है ना, वो दिखता है। चलो एक्टरों को छोड़ो, मूवी का VFX इतना ज्यादा खराब है ना कि पता नहीं चल रहा कि ये चमगादड़ है या ड्रैगन है या उनका क्रॉस ब्रीड है। भाई रावण की जो लंका थी ना, वो पूरी सोने की थी, इसलिए उसे सोने की लंका कहा जाता था। इसको देख के बोल सकते हैं कि ये सोने की लंका है। सैफ अली खान का हेयर स्टाइल अगर आपको 2022 के बेस्ट हेयर स्टाइल लिस्ट में ना मिल जाए, तो मेरा नाम बदल देना। मतलब कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया कि उस जमाने के लोग कैसी मूछे रखते थे, कैसी दाढ़ी रखते थे, कैसे बाल रखते थे। हनुमान जी का कैरेक्टर मतलब इतना ज्यादा फेक लग रहा है ना, मतलब कैरेक्टर है ना सच में अपना मुंह फुला रखा है, जैसे छोटे बच्चे रामलीला में नहीं करते थे वैसे ही। मतलब इससे अच्छा ना सोनी में जो सीरियल आता है ना हनुमान जी का, वो बहुत ज्यादा बेटर है। दोस्तों अगर आप गौर से देखेंगे ना, पूरी वानर सेना के कुछ ही कैरेक्टर को छोड़ के सभी को कॉपी पेस्ट कर रखा है। मतलब यार 500 करोड़ की मूवी है यार, पूरी सेना को कॉपी पेस्ट कर रखा है। मतलब 20-25 कैरेक्टर बना नहीं सकते थे। मतलब गेम ऑफ थ्रोन से कुछ चीजें ले रही है, कुछ चीजें प्लैनेट ऑफ एप्स से उठा रही है, मतलब क्या है यार। मतलब $31 मिलियन आपने VFX में खर्च करे और रिजल्ट ये। और दोस्तों अगर $31 मिलियन की बजट की बात करूँ ना, तो वो काफी अच्छा था। लव एंड मॉन्स्टर जो मूवी $30 मिलियन में बनी थी ना, उसका VFX जमीन आसमान का फर्क है। 2014 में एक मूवी बनी थी एक्स मशीना, फर्क देख लो, $15 मिलियन में बनी थी। 100 बात की एक बात, इतनी बड़ी बजट की मूवी इतनी अच्छी कहानी को ना बहुत ही ज्यादा खराब वे में दिखाया गया है। और गाइस अगर आप मेरी बातों को सपोर्ट करते हैं तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।